फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 15वां दिन। तो अभी सुबह के बज के 7:30 और मैं उठ गई थी जल्दी ही। तो अभी पीती हूँ गर्म पानी, ब्रश व्रश करके आ गई हूँ मैं। अभी गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं आपसे नहा के मिलती हूँ, क्योंकि अभी फिर मैं जाऊँगी नहाने। फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 10, तो मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता लेके, क्योंकि सारा काम करा, सबको नाश्ता खिलाया, बेटे को कॉलेज भेजा, उसका नाश्ता बनाया, तो 10 बज गए मुझे। तो अभी मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता लेके। तो आज मेरे नाश्ते में है 1 कप चाय है, जो कि शुगर फ्री वाली है और अदरक वाली चाय, और ये है 1 मल्टीग्रेन ब्रेड और 1 अंडा बॉयल्ड, और इसमें मैंने चाय मसाला भी डाला है। क्योंकि जब आपको सब कुछ बता ही रही हूँ तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं मसाले वाली चाय पीती हूँ और इसमें चाय मसाला डाला है। वो दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह सब मैंने भून के उसका एक मसाला बना रखा है, तो वो मैं डालती हूँ थोड़ा सा। उससे क्या है, गला ठीक रहता है और अच्छी लगती है। शायद मुझे आदत हो गई है अब ये मसाले वाली चाय पीने की, तो मैं वो चाय पीती हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं करती हूँ अपना नाश्ता और फिर थोड़ी देर बैठूँगी, और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने के बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे लंच में। हेलो गाइस, तो बज गए हैं दिन के 2:15। तो मैं अपना लंच बना के ले आई हूँ, वही अपनी ऐतिहासिक सी खिड़की के पास, क्योंकि आज भी धूप नहीं निकली है, मौसम बहुत डल है और बिल्कुल एकदम ग्रे ग्रे कलर का मौसम हो रखा है। धूप नहीं निकली क्योंकि ठंडी शुरू हो गई है ना, और मैंने जैकेट भी अभी उतारी है क्योंकि मैं खाना बना रही थी किचन में थी, तो वो सारा है ना आटा लग जाता है जैकेट पे, इसलिए मैंने वो उतार दिया और फिर खाना बनाया है। तो चलिए, मैंने अपना खाना बना के रेडी कर लिया है। आज मेरे लंच में है मटर पनीर की सब्जी, फुलका और थोड़ा सा सैलेड जिसमें एप्पल और कैरेट है। मटर पनीर की सब्जी मेरी रात वाली है, क्योंकि बेटा चला गया मेरा कॉलेज अपना नाश्ता करके, बेटी मेरी गई सो, क्योंकि उसका जैसे पोल्यूशन बढ़ गया है ना, तो उसकी छुट्टी हो गई है और अभी एग्जाम भी नहीं है, लेकिन रिवीजन तो करनी है। 22 को है एग्जाम उसका, मैथ्स का, तो वो रात को पढ़ती रही है और दिन में वो सो गई है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, सो जाए। अपना आलू का पराठा खाया उसने नाश्ते के अंदर और वो गई, मम्मी मैं सो रही हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, जाओ सो जाओ। तो वो सो गई, अब शाम को उठेगी, वही अपना खा पी के फिर अपना पढ़ने लग जाएगी। तो और बेटा कॉलेज गया है जैसे कि, तो बेटा भी शाम को ही आएगा, उसको कोई प्रोजेक्ट जमा करना था कॉलेज के अंदर, क्योंकि उसका लास्ट ईयर है, तो उसके भी यही चल रहा है, प्रोजेक्ट एग्जाम वगैरह यही चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो तो चले गए। तो फिर ये मटर पनीर की सब्जी बची हुई थी, तो मैंने बोला अब क्या करूँ यार, मैं इसी को खा लेती हूँ, बाकी रात की रात को देखेंगे। तो मैंने बोला मैं दिन में सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं मटर पनीर ही खा लेती। तो मैंने इसीलिए मटर पनीर की सब्जी ले रखी है साथ में और एक फुलका। तो चलिए, मैं अपना अभी लंच करती हूँ, तो फिर देखते हैं शाम का क्या है खाने पीने का, तो वो देखती हूँ। और आज मेरी किट्टी भी थी, मैं गई नहीं क्योंकि मेरे को काम बहुत सारा था। मेरे को अभी ऊपर जाना है, अभी आपको दिखाऊंगी, सारा सामान मेरे को पैक करना है, कुरियर कराना है, सब मैनेज करके लगाना है और फोटो भेजनी है जो जो जिस जिसने मंगाया है सबकी, तो बहुत सारा काम है मेरी जान को अभी। तो चलिए, अभी मैं लंच करती हूँ फिर अपना काम करती हूँ। एक तो दिन बहुत छोटे हो गए हैं, सुबह होती है और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी ठंडे ठंडे तो यही रहेगा, कोई नहीं, मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई और कब टाइम हो गया। वही खाने पीने के टाइम में ही एकदम पूरा दिन निकल जाता है। तो चलो, मैं अभी लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, मैं आ गई थी कमरे के अंदर जैसे भी लंच करके, हालत देखो मेरी कैसी हो रही मिट्टी में, और यहाँ पर मैं आके अपना पार्सल पूरा वो रेडी कर रही थी, मतलब जो जो कपड़े हैं वो सब रेडी कर रही थी, दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये सब बाहर जाने वाले हैं, सब मेरा ये इंदौर जाएगा ये पूरा। अभी इसका और भी सामान लेके आना है, फिर उसका पार्सल बनाना है। ये देखो सारे कपड़े कैसे रखे हुए हैं मेरे पास, ये सब बिके हुए, सब मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके इधर भी रखे हुए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मेरा, इसी में लगी रहती हूँ मैं कपड़ों के अंदर। तो चलो अब नीचे चलती हूँ, चाय बनाती हूँ, 5:30 हो गए और अंधेरा भी हो गया है।
चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं। हालत देख कैसी हो रखी है, ऑयल लगाया था ना तो सर भी नहीं धोया है, कल धोऊंगी, क्योंकि कल मार्केट जाना वहाँ तो और बुरा हाल होगा, इसलिए मैंने वॉश ही नहीं करा सर, मैंने बोला कल वॉश करूँगी। अभी सारा यहाँ से सही कर दिया मैंने, झाड़ दिया है थोड़ा सा। एक रूम है हमारा, जिम है उस उधर की साइड, और ये एक ऐसे ही रूम है बैठने के लिए साफ़ करके, इसलिए इसको मैंने साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, अभी झाड़ू लगा के फिर नीचे चाय पीने चलते हैं। चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, हो गया है डिनर का टाइम, तो मैंने अपना डिनर बना के रेडी कर लिया है, तो मैं दिखा देती हूँ आज मेरे डिनर में क्या है। आज मेरे डिनर में है बॉइल्ड राइस और अंडे की, मतलब एग करी, अंडे की करी का नाम आ रहा था, एग करी, बॉइल्ड राइस एग करी, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जाके सब्जी बाजार से खीरे ले आऊँ, तो मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ, अब मुझे यही खाना पड़ेगा, एग करी और राइस। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, रात रात की बात है, तो कल जाऊंगी ना मैं मार्केट, कल थर्सडे तो कल मार्केट जाऊंगी, तो कल मैं वहीं से ही लेती आऊंगी, ठीक है ना। और फिर मैं कल आने के बाद अपने थोड़ा फेस की भी मरम्मत करती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गया है, मूछें निकल आई हैं, आईब्रो हो गई है इतनी बड़ी बड़ी, तो कल इसको भी सुधारती हूँ, थोड़ी सी मालिश वालिश करती हूँ, कल इसकी भी मरम्मत करती हूँ। तो चलिए अभी मैं करती हूँ अपना डिनर और मिलती हूँ आपसे कल, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 10 बजे आएगा बिग बॉस, और मैं, मेरे को 10 बजे तक अभी देखना है, क्योंकि बिग बॉस देखना मेरा बहुत ज़रूरी है, तो मैं बहुत देखती हूँ, शुरू से ही देखती आ रही हूँ, आज से नहीं, जब से शुरू हुआ ना, जब से। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना डिनर, मिलती हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।